ये जो मैंने प्लांट लगाया था 4 इंच के गमले में, बहुत ही सुंदर प्लांट। और ये मैंने लगाया था दोस्तों जनवरी के 3rd वीक में। दोस्तों ये 4 इंच के पॉट में लगा था, लेकिन इसको मैंने कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स करके लगाया था। साथ ही उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो है कोकोपीट हमारी अच्छी नहीं निकली दोस्तों। इसका मैंने दूसरे प्लांट्स पे रिजल्ट देखा कोकोपीट का, इसलिए मैं अब इस प्लांट को दूसरे सॉइल मिक्सचर में लगा रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसको मैं इस पॉट में से निकाल देती हूँ और इस पॉट को दूसरे प्लांट को लगाने के लिए यूज़ कर ले रही हूँ। से मैंने इसको निकाल दिया है सारे। और ये जो है कोकोपीट मिला हुआ जो मिक्सचर है, इसको मैं हटा लूंगी। और वैसे भी दोस्तों ये प्लांट जो है जंगली तो नहीं कह सकते, पर ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको कोकोपीट की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, और इसलिए मैंने इसको हटा दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्लांट है, इसको मैंने इसकी सारी मिट्टी हटा ली है। और इस प्लांट को मैंने दोस्तों वीडियो शेयर किया था आपसे जनवरी के 2nd 3rd वीक में। और ये जो प्लांट है डबल शेड का बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों। इसको इसमें से हटाने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है दोस्तों, ये कोकोपीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अभी तो ये प्लांट दिख रहा है ठीक ठाक, लेकिन आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्लांट जो है वो उसको कोई नुकसान हो, इस वजह से दोस्तों मैंने कोकोपीट हटाने का निर्णय लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊँ। दोस्तों प्लास्टिक के मैं बहुत विरोध करती हूँ और आपसे भी कहती हूँ प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दीजिए। और साथ ही मैंने इसके लिए लिए अपनी वही पुरानी 14 साल 15 साल पुरानी बास्केट्स, हैंगिंग बास्केट दोस्तों। इसके ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से, इसको बंद करने के लिए मैंने एक ये टिश्यू का कपड़ा ले लिया है। और वही जो जिसमें जो आजकल हमारे कैरी बैग आते हैं मार्केट में, सामान जो खरीदने के वक्त मिलते हैं। और दोस्तों इसको मैंने भरने के लिए और इसके ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए नारियल के ये जो रेशे होते हैं कोकोनट हस्क, इसको दोस्तों मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये वेट में बहुत हल्के होते हैं और मैं चाहती हूँ बास्केट हल्की से हल्की रहे। इसलिए मैं ये कोकोनट के जो रेशे होते हैं ऊपर वाले, इनको मैं नीचे लगा दे रही हूँ साथियों, जो मुलायम वाले हैं। और इस तरह से मैंने इनको अलग अलग करके इसमें लगा दिया है, इससे हमारी बास्केट जो है वो हल्की रहेगी। और जब काफ़ी टाइम तक इसमें लगा रहेगा अगर प्लांट, तो इसमें ये बाद में डिकम्पोज भी हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आज एक और काम कर रही हूँ, इसमें मैं ये जो होता है कच्चा कोयला, मतलब लकड़ी का कोयला जो होता है, इसके भी पीसेस डाल रही हूँ ताकि हमारी बास्केट भी हल्की रहे। और इनमें जो है दोस्तों पानी स्टोर हो जाता है, जो कि गर्मियों में बहुत काम आता है, पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, जैसे स्टोर रूम की तरह काम करता है। और बाद में ये जो है गर्मियों में प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है और बास्केट भी हल्की रहती है, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं वेट में। इस तरह से दोस्तों मैंने इनको रख लिया है और मैं अपने पॉटिंग मिक्स के लिए ले रही हूँ साथ में करीब 60% रिवर सैंड और दोस्तों 20% गार्डन सॉइल और 20% दोस्तों ये जो काउ डंग होता है, ये करीब 3 साल पुराना है और उपले को मैंने फोड़ के भिगो के फोड़ लिया है। और इन तीनों से मैं अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है अच्छे से। और ये जो खाद है दोस्तों पूरी तरह देसी सेफ ऑर्गेनिक खाद है। और अब मैं अपनी इस बास्केट को भर लूंगी करीब करीब 60% दोस्तों। प्लांट अभी छोटा है और मुझे लगता है कि जब ये बड़ा होगा तब इसकी रूट्स नीचे तक जाएंगी, इसलिए भी मैंने नीचे इसमें कोयले के टुकड़े लगा दिए हैं ताकि हमारी बास्केट हल्की रहे, क्योंकि दोस्तों रिवर सैंड मिलानी पड़ रही है और रिवर सैंड थोड़ी वेट में भारी होती है और इसका थोड़ा ऊपर तक भरना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लांट बड़ा होगा और तो इसकी लीव्स जो है वो इसमें मिट्टी में टच ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा भर लिया है। और साथ ही इसमें एक हम जगह बना के
इस तरह से हम लगा देंगे, बहुत ही सुंदर प्लांट दोस्तों। थोड़ा और भरना होगा, नहीं तो फिर इसमें पानी रुकने लगेगा। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है साथ ही उस प्लांट को, बहुत ही सुंदर प्लांट ऑल्टरनेंथ्रा, ऑल्टरनेंथ्रा भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेंथ्रा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको लोकल नर्सरी से खरीदा था और मुझे नाम पता चला दोस्तों सहारनपुर की बहुत ही फेमस सबसे बड़ी एक नर्सरी है, वहाँ पर मैंने इस प्लांट को देखा और वहाँ से मैंने इस प्लांट का नाम पता किया। और दोस्तों बहुत ज़्यादा ठीक से तब पता चलेगा जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगा, तब इसका ठीक से पता चलेगा। क्योंकि जो प्लांट मैंने वहाँ पर देखा है उसमें और इसमें अभी थोड़ा फर्क दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा है और इसकी लीव्स अभी छोटी हैं दोस्तों, लेकिन ये उससे काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है, काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। तो साथियों अभी मार्च की 3 तारीख है और प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा। और दोस्तों बाद में मैं आपको ज़रूर इसका अपडेट शेयर करूंगी। और मुझे लगता है कि ये बरसात जितने महीने भी चलेगी उस दौरान ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और ग्रो कर जाएगा। और दोस्तों इसको अभी मैं कुछ दिन छाया में ही रखूंगी और ब्राइट लाइट में रखूंगी दोस्तों, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं तभी अपना भोजन बना पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का बटन, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हम मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर से सब्सक्राइब बटन है उसको टच कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन फ्री है। और दोस्तों बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, आलोचना भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं चाहती हूँ कि वीडियो छोटे से छोटा रहे, इसलिए दोस्तों मैं जो हूँ ये मैंने वाटरिंग कर दी है। और इस तरह से दोस्तों ये मैंने इसको एक नया पॉट दे दिया है, हैंगिंग पॉट। अभी भी दोस्तों इसकी जो बास्केट है वो भारी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छे से चल पाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।